खबरों में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफा मामले पर बीजेपी को जल्द समाधान की उम्मीद है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने आज न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि उन्होंने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से इस बारे में मुलाकात की है, बात की है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिलकर आए हैं। ये भाजपा परिवार के आपस की बात है, इसका घर में बैठकर हल निकाला जाएगा। सुनिए क्या कहा। मुलाकात हुई है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिले हैं, कोई परिवार की बातें हैं, निश्चित रूप से घर में बैठकर उनको निपटाएंगे। वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो लगातार हम सब लोग मिलकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करते रहेंगे। कोई देरी नहीं है, परिवार की बात है, सब लोगों के बीच में बातचीत करके कोई भी बात हो तो रखना कोई गलत नहीं है और वो अपनी बात को रख रहे हैं। और प्रदेश भर में अब भूजल दोहन पर रोक लगाकर जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। सरकार इसी विधानसभा सत्र में पहली बार वाटर एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। नए वाटर एक्ट में नए ट्यूबवेल पर अंकुश लगाने के साथ साथ भूजल दोहन के कड़े प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। आमजन को पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आमजन और वाणिज्यिक स्तर पर पानी के उपयोग के नियमों में भी सख्ती बरतने की तैयारी की जा रही है। नए वाटर एक्ट में सरकार गुजरात सरकार के पैटर्न पर भू जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के प्रयास कर सकती है। लिए इस विधानसभा के सत्र में हम बिल ला रहे हैं भू जल विभाग के द्वारा, जिसमें जो भी अब ट्यूबवेल्स लगाएंगे उनको हम पाबंद करेंगे कि जितना आप लोगे, कम से कम अगर 100 लीटर पानी निकाल रहे हो तो 100 लीटर पानी चाहे बारिश से उसको वापस पुनर्भरण हो, चाहे जो वेस्टेज पानी को वहाँ जाके पुनर्भरण हो, इसके लिए हम वो लेके जा रहे हैं, वो प्रावधान करेंगे तो ही ट्यूबवेल लगा पाएंगे हर चीज़ के लिए। तो ये आने वाले टाइम में इस बजट सत्र में काफ़ी कुछ ला रहे हैं कि जो हमारा जो भूजल का स्तर है बहुत तेज़ी से गिर रहा है। हम लगभग 150 लीटर पानी निकालते हैं और 100 लीटर ही का ही पुनर्भरण हो रहा है, तो प्रतिवर्ष जो है जो वाटर टेबल है वो बहुत तेज़ी से डिप्लीट हो रही है। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि इस बारे में जन जागरूकता फैलाई जाए और इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ। इसमें पहला कदम तो यही है कि जो वर्षा जल संग्रहण का जो संरचना है उसका निर्माण किया जाए। और अब बात गैंग वॉर की आहट की करेंगे। भरतपुर में एक बार फिर से गैंग वॉर होते होते रह गई। पुलिस ने एटीएस के इनपुट के आधार पर गैंग वॉर की एक बड़ी प्लानिंग को नाकाम किया है और 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है। देखिए रिपोर्ट। भरतपुर में फिर बड़े गैंग वॉर की आहट, फिर सुनाई देती गोलियों की तड़तड़ाहट। कृपाल जगीना गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार। जगीना गैंग के निशाने पर अब कौन था? जगीना वर्सेस जगीना का कब होगा अंत? 12 जुलाई 2023 भरतपुर का अमोली टोल प्लाजा, पुलिस टीम के सामने गैंग वॉर, कुलदीप जगीना की हत्या। भरतपुर के अमोली टोल प्लाजा पर रोडवेज बस से पुलिस की अभिरक्षा में पेशी पर लाए जा रहे कुलदीप जगीना की हत्या की गई थी। कृपाल जगीना की गैंग ने अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। भरतपुर के टोल प्लाजा पर गोलियों की तड़तड़ाहट को कभी कोई भूल नहीं सकता, लेकिन एक बार फिर इस गुट के खिलाफ कृपाल जगीना गैंग साजिश रच रहा था। बताया जा रहा है कि कुलदीप और कृपाल जगीना दोनों के बीच एक बार फिर गैंग वॉर हो सकती थी, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते पूरे मामले का खुलासा कर दिया। भरतपुर में गैंगवार की आहट पर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साइबर सेल की सतर्कता के चलते गैंगवार को टाला गया और इस गैंगवार की जो पूरी साजिश थी वो अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से की जा रही थी। मोबाइल के जरिए लगातार कुलदीप जगीना गैंग के जो लोग हैं उनको टारगेट किया जा रहा था और उनकी हत्या की जो साजिश थी वो कृपाल जगीना जो गैंग के लोग हैं जो अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद थे उनके द्वारा की जा रही थी, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया और पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश की हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर की सुरक्षा व्यवस्था संदेह के घेरे में आ गई है। यहाँ जेल में बंद गैंगस्टर मोबाइल फोन के जरिए गैंग वॉर और हत्या की साजिश रच रहे थे।
पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने जेल के अंदर बंद इन कैदियों के कब्जे से फोन और सिम कार्ड्स बरामद किए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पुनः इस प्रकार की घटना की व्यूह रचना इनके द्वारा रची गई, उसी के संदर्भ में प्रकरण दर्ज हुआ है। हालांकि जो है जिला पुलिस सतर्क है, हमारी साइबर सेल काफ़ी एक्टिव और अलर्ट है और इसी अलर्टनेस के कारण जो है एक बड़ी गैंगवार की घटना को होने से पूर्व रोका गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुलदीप जघीना की हत्या के मामले में बंद कृपाल जघीना के भतीजे पंकज और अजमेर जेल में ही उसकी नजदीकी जोधपुर के हिस्ट्री शीटर जहांगीर और डोरेमोन की निशानदेही पर मोबाइल और सिम बरामद की है। पंकज को यह मोबाइल डोरेमोन ने 45,000 में दिलाया था। पहले कुलदीप गैंग के लोगों ने कृपाल जघीना की गोली मारकर हत्या की और उसके बाद कृपाल जघीना गैंग के लोगों ने कुलदीप को जब पेशी पर लाया जा रहा था तो आमोली टोल प्लाजा पर गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन इस अब पूरे मामले के बाद एक और जो गैंगवार की आहट थी वो सामने आई और जो कृपाल जघीना के गैंग के जो लोग थे जिन्हें अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद रखा गया था वो अजमेर जेल से ही जोधपुर के एक हिस्ट्री शीटर के साथ मिलकर जिसका नाम डोरेमोन बताया जा रहा है उसके साथ मिलकर कुलदीप गैंग के जो लोग थे उनको टारगेट करके निशाना बना रहे थे और पुलिस को इसकी भनक लगी। साइबर सेल की टीम ने वहां अजमेर जेल पहुंच करके एक मोबाइल बरामद किया है जिसने ये पूरा राज खोला है। पुलिस ने इस मामले में कृपाल जघीना गैंग के सदस्यों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस वारदात को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड कृपाल का भतीजा पंकज अजमेर जेल से ही 3 लोगों की रेकी करवा रहा था। गैंग वॉर की प्लानिंग में भी अभी तक 10 आरोपियों के नाम सामने आए हैं जिनमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 5 गिरफ्तारियां इस प्रकरण में अभी तक हो चुकी हैं। 5 और अन्य व्यक्तियों का नाम अभी तक इस प्रकरण में सामने आ चुका है। विस्तृत पूछताछ और अनुसंधान पुलिस द्वारा अभी और अग्रिम किया जा रहा है। कुछ और अन्य आरोपीगण हैं जो कि हाई सिक्योरिटी जेल में हैं, उन्हें भी अभी रिमांड पर पुलिस लेगी। इस मामले में अभी और भी नाम सामने आ रहे हैं। पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। अजमेर जेल में बंद और भी कई आरोपियों से मामले में पूछताछ की जा सकती है। हालांकि पुलिस की सतर्कता से प्रदेश में एक और बड़ा गैंग वॉर होते होते रह गया और गैंग वॉर के एक बड़े प्लान को नाकाम कर दिया गया। अब लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भरतपुर में इतनी बड़ी गैंगवार की आहट होने वाली थी और किस तरह से उसकी साजिश को अंजाम रचा जा रहा था और अजमेर जैसी हाई सिक्योरिटी जेल से ये पूरी साजिश को अंजाम जो दिया जा रहा था। लेकिन भरतपुर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया और 5 लोगों को गिरफ्तार किया जिनसे लगातार इस मामले में अब पूछताछ हो रही है। और करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, आरएसआरडीसी में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। रिश्वत केस में 2 संदिग्ध आरोपियों से गहनता से पूछताछ की गई। तत्कालीन मुख्य प्रबंधक सुधीर माथुर से पूछताछ की गई। तत्कालीन चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर आरके लूथरा से भी पूछताछ हुई है। एसीबी मुख्यालय में आज दोनों से पूछताछ की गई। तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ चलती रही। कल फिर से एसीबी मुख्यालय में पूछताछ की जानी है। 7 जून को एसीबी ने आरएसआरडीसी में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। कंसल्टेंट महेश चंद्र गुप्ता और प्रोजेक्ट डायरेक्टर लक्ष्मण सिंह और सिया राम को पकड़ा गया था और आज तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ की गई। अगली खबर अजमेर से जो बेहद खौफनाक है। अजमेर के क्रिश्चियनगंज में शादी के कुछ ही घंटों बाद इमारत से कूदकर जान देने वाली विवाहिता का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव मायके वालों को सौंप दिया गया। हालांकि अभी तक उसकी मौत की असल वजह सामने नहीं आ सकी है लेकिन पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। देखिए रिपोर्ट। दुल्हन की मौत पर सस्पेंस बरकरार। हत्या या खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस।
पोस्टमार्टम के बाद मायके वालों को सौंपा शव। बीके कोल नगर की वही गोलकुल धाम सोसाइटी है ये, जहां सोमवार को विदाई के बाद कोमल ससुराल पहुंची थी, लेकिन ससुराल पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद उसने सातवीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दी। हालांकि कोमल के परिवार वालों का आरोप है कि उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ। बात हुई थी तो वो मेरे को यही बोल रहा था, बोले कुछ नहीं है, ऐसा हुआ है, हम छत पे गए थे। मैंने कहा जब आप 3 बजे 2 बजे 2:30 बजे जो भी आप टाइम में दोपहर में गए हो तो पहली चीज़ तो लेके क्यों गए, और फिर लेके गए थे तो फिर साथ में जब अगर इसी चीज़ें दोनों में आपस में क्या बातें हुई है, मेरे को तो ये डाउट है कि छत पे इन दोनों में कोई ना कोई इस तरीके की कोई घटना घटी है जिससे कि ये क्या नाम है ना ये चीज़ हुई है। रविवार को जयपुर की रहने वाली कोमल की शादी अजमेर के कपड़ा व्यापारी रौनक बंसल के साथ हुई थी। दोनों की शादी अजमेर के ही एक होटल में हुई। सोमवार सुबह पति पत्नी गोकुल धाम स्थित अपने फ्लैट पर पहुंचे थे, लेकिन कोमल ने सोसाइटी के सातवीं मंजिल से छलांग लगा दी। कभी स्टोव पे जाता नहीं है तो बोले मतलब पापा चाबी कहाँ है, मैं क्या करेगा, बोला कोमल के लिए ऊपर घूम के आते हैं, जी उठ रहा है तो ये लोग ऊपर गए थे आठवीं मंजिल तक चल गए थे लोग, फिर कोमल ने बोला ऊपर चलो, उन्होंने बच्चे ने मना कर दिया कि ऊपर मत जाओ आप, क्या मतलब ऊपर जाने से, तो यानी ऊपर चलो घूमने, तो ऊपर गए तो ऊपर जाके बाद जगह तो ही नहीं बैठने की, बोला आप मेरे लिए कुर्सी लेके आओ, फिर वो उन्होंने नीचे सातवीं मंजिल पे कुर्सी लेने गया तब देखा तो वो ऊपर से छलांग लगा दी थी कूद के एकदम भाग के, तो वो एकदम भागा बचाने के लिए, मैं तो कूद चुकी थी, उसने गिरते हुए देखा है नीचे, जबकि वो सातवीं मंजिल पे थी और वो कूदी ऊपर आठवीं मंजिल से जाके। गंभीर हालत में कोमल को JLN अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस को जैसे ही जानकारी लगी वो मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। चमन थाना इलाके में घटना हुई थी, महिला थी कोमल शर्मा जिसकी परसों ही शादी हुई थी, कल वो अपने ससुराल आई थी गोकुल धाम, सुबह उसकी वहाँ उसके गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी, कल शाम को उनके परिजन आ गए थे जिन्होंने दहेज हत्या का रिपोर्ट दी जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, अभी महिला का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है और आगे इसके बारे में अनुसंधान किया जाएगा। अभी तक इन्हें इस स्टेज पर कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर जाँच किया जाएगा। मृतका के मायके वालों का आरोप है कि रौनक शादी वाले दिन भी शराब के नशे में था, इतना ही नहीं उसने फेरों के वक्त बस सलूकी की थी, जबकि ससुराल पक्ष तमाम आरोपों से इनकार कर रहा है। हालांकि पुलिस ने मायके वालों की शिकायत पर दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। अजमेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे हिस्ट्री शीटर पर प्रहार की। झुंझुनू के सिंगाना में SP राजर्षि राज वर्मा के निर्देश पर एक बदमाश की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई से पहले हिस्ट्री शीटर अभय सिंह की संपत्ति का सर्वे कराया गया था, जिसमें अवैध अतिक्रमण की जानकारी मिली। हिस्ट्री शीटर के मकान पर चला बुलडोजर, अवैध तरीके से अर्जित की गई थी संपत्ति, सर्वे के बाद अवैध संपत्ति का हुआ खुलासा। झुंझुनू के चितौसा गांव में हिस्ट्री शीटर अभय सिंह का ये वही मकान है जिसे जोहर पर अतिक्रमण कर बनाया गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर की मदद से पूरे मकान को तोड़ा गया है। बुहाना DSP नोपाराम भाकर के नेतृत्व में हिस्ट्री शीटर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई से पहले उसे नोटिस भी दिया गया, लेकिन जब तय सीमा पर मकान को नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने उसे गिरा दिया। झुंझुनू पुलिस ने सिंघाना थाना इलाके के चितौसा गांव में हिस्ट्री शीटर अभय सिंह उर्फ अभिया की अवैध संपत्ति पर है वो बुलडोजर चलाया है। पुलिस ने इस संपत्ति का पहले आकलन करवाया और आकलन करवाने के बाद आज बुहाना सिंघाना और पचेरी थाना इलाके की पुलिस के साथ पुलिस लाइन से जाप्ता मौके पर पहुंचा और DSP नोपाराम की अगुवाई में इस संपत्ति को है वो ध्वस्त किया गया। अभय सिंह पर लूट, हत्या, हत्या की कोशिश और अवैध हथियार रखने समेत 25 मामले दर्ज हैं। दरअसल बुहाना DSP नोपाराम भाकर बदमाशों की अवैध संपत्तियों का सर्वे करवा रहे थे, जिसमें ये बात निकल कर आई कि हिस्ट्री शीटर अभय ने जोहर पर अतिक्रमण कर मकान बनाया था।
झुंझुनू एसपी राजसी राजवर्मा जिले के बदमाशों की संपत्ति का लगातार आकलन करवा रहे हैं और जिन बदमाशों ने अवैध तरीके से अवैध संपत्ति अर्जित की है उनको चिन्हित करने के बाद पुलिस द्वारा बुलडोजर चलाकर उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बदमाशों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से अभियान शुरू किया है उससे साफ है कि पुलिस अपराधियों को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। इस पूरी कार्रवाई को एक नजीर के तौर पर भी देखा जा रहा है कि पुलिस बदमाशों को सख्त संदेश देने के मूड में है कि अगर आपने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है तो उस पर पुलिस की पैनी नजर है और पुलिस उन संपत्तियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी करेगी। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू।